बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जटापुर निवासी कैब ड्राइवर पुनीत ने अपनी पत्नी से परेशान होकर अपने मासूम बेटे के साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं आत्महत्या से पहले पुनीत ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें वह बता रहा है कि उसकी पत्नी लगभग पिछले 7 महीने से अपने मायके रह रही थी। जब वो दीपावली से पहले उसको वापस लेने गया तो उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और साथ ही उसकी जेब में रखे 26,000 रुपये भी निकाल लिए। वहीं पुनीत ने इससे परेशान होकर अपने मासूम बेटे के साथ जहरीला पदार्थ खाया और आत्महत्या कर ली। इस वायरल वीडियो में पुनीत अपनी पत्नी के खिलाफ फांसी की मांग भी करता नजर आ रहा है। वहीं पुनीत और उसके बेटे की मौत से पूरा परिवार पुनीत का सदमे में है, तो वहीं अब पूरा परिवार पुनीत की पत्नी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। थाना अनूप शहर क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी ससुराल जाकर अपनी वाइफ को विदा कराने के लिए लेने के लिए गया था। वहाँ कुछ कतिपय पारिवारिक वाद विवाद हुआ था और उस वाद विवाद में मानसिक तनाव में आकर उसके द्वारा पॉइजन खा लिया गया था और अपने पुत्र को भी खिला दिया गया था, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल और छानबीन की जा रही है और इसमें नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। उस व्यक्ति द्वारा अपना एक वीडियो भी इससे पूर्व वायरल किया गया था। मेरा नाम शेर सिंह है, पुनीत मेरा लड़का है। वो अपने ससुराल गया था, ससुराल में उसने अपने घरवाली से कही कि चल घर को, त्यौहार का टाइम है, उसने मना कर दिया, बच्चे उसको दे दिए। फिर दोबारा भी गया वो कि चल कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो वहीं घूमता रहा रात को। घूमने के बाद में फिर उसने एक वीडियो वायरल किया कि तू ना जाएगी, कि तू मर, तेरे बच्चे मरे, मेरा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में उसने छोटे बच्चे को दिया, फिर आप खा लिया। ये कहानी वीडियो बना कर उसने डाली, ये वीडियो देखी हमने। जैसे वो कह रहा है कि मैं घरवाली से परेशान आके ये काम कर रहा हूँ, वो जी घरवाली से ज़्यादा ही परेशान है और जो कहीं तंग भी नहीं रखता था, लेकिन घरवाली सही नहीं थी। हम तो यही चाहते हैं, जैसा मेरा बेटा मांग रहा कि भाई इसको सजा होनी चाहिए, तो इंसाफ ही मिलना चाहिए। तो मेरी तो यही प्रार्थना, हाथ जोड़ के 26,000 रुपये गाड़ी में, गाड़ी का शीशा तोड़ा, 26,000 रुपये छीने, वो मिल जाए। तो कब से जो उसकी पत्नी थी वाले वो 7 महीने थी। शादी कब हुई थी? 2020 में। पुलिस में अभी तक कोई कंप्लेंट करी है क्या? हम भी कंप्लेंट, हमारा लड़का गया था, मैं तो अलीगढ़ पहुंच गया था, अनूप शहर से गया था, तो पुलिस वाले ने कही थी कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब तक हम कोई रिपोर्ट नहीं चाहे। तो अब आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि उसको तो सजा मिलनी चाहिए। किरण मेरा नाम है, भाई गाड़ी चलाते थे, वो अपने मतलब ससुराल गए थे बच्चों को लेने, उन्होंने उनके साथ हाथापाई भी करी, मतलब उन्होंने गाड़ी का शीशा भी तोड़ा और उनके पास मतलब जो पेमेंट थी 26,000 वो भी उन्होंने ले ली, भाई ने बताया था वीडियो में भी। तो कितने बच्चे आपके भाई के थे? और अब 2 बच्चे थे भाई पे, एक बच्चा तो ख़त्म हो गया, एक मतलब जिंदा। तो अभी तक आपके जो कोई तहरीर दी गई है पुलिस ने आपकी तरफ से? नहीं भाई, परेशानी अब आप मतलब परेशानी में ऐसे ही अब गए हैं, मतलब भागा दौड़ी में ही। तो हुआ क्या था? ये जो आपकी भाभी है, क्या इनका नाम है और ये कब से अपने ससुराल में रह रहे थे? भाभी का नाम अंशु है, गांव तेले नगला है, वो 6-7 महीने से मतलब अपने गांव में ही रह रही हैं। मम्मी पापा भी गए थे लेने को, सिस्टर भी गई थी, पर वो आने को मना कर देते, 2-3 बार गए थे। वो भैया से बोलते थे बाहर, मतलब पहले बाहर रहते थे ना, लेकर बाहर रहोगे तो चलोगे, नहीं मैं नहीं जाऊँ। तो घर में कभी आपके भाई ने बताया उनके बारे में? भाई ने नहीं बताया, क्योंकि वो परेशान, मतलब खुद परेशान था, घर वालों को नहीं परेशान करना चाहते थे। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 2020 में 31 जुलाई को। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।